और सूबे के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड के मामले में न्याय न मिलने से आहत होकर परिजनों ने अब न्याय के लिए हाईकोर्ट की शरण ली है। इस मामले में दायर याचिका में गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और इस दौरान मामले की जांच के लिए सरकार की ओर से गठित एसआईटी पर परिजनों ने आरोप लगाते हुए मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। मृतका अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। लिपापोती कर रही है, जबकि मैं भले ही मैं जो एसआईटी में जो रेणू मैम है उनसे बहुत विश्वास करता था, एक ईमानदार छवि की जो वो है, पर लेकिन सरकार के द्वारा इन पे दबाव डाला गया और डाला जा रहा है और ऐसा जो जांच चली उस पर लिपापोती कर रहे हैं। और एक फिर उसके बाद सरकार द्वारा पौड़ी के डीएम साहब को ट्रांसफ़र करना, पौड़ी के एसपी को ट्रांसफ़र करना, ये तो एक इनके आपस में एक मिली हुई भगत है। कि हमारी तरफ से ये एलिगेशन है कि शुरू से ही इसमें जो है साक्ष्य नष्ट किए जा रहे हैं, जिसमें रिजॉर्ट का तोड़ा जाना और उसके बाद पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि जो रिजॉर्ट के साथ जो फैक्ट्री परिसर है वहाँ भी आग लगा दी गई, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स में हमारे साथ के एक सहयोगी पत्रकार हैं लोकार्पण के, वो वहाँ पर गए थे तो वहाँ पे ब्लड स्टेन थे उस फैक्ट्री परिसर के नीचे वाले फ्लोर में। और जब परसों रविवार को वो दोबारा वहाँ पे गए तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि वो ब्लड स्टेन्स अभी वहाँ पे नहीं।